गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन चैप्टर फोर्थ पेज नंबर 28। तो बच्चा हमने रिवीजन किया था एनिमल्स देयर फूड एंड होम्स का, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपने पहले भी कर रखी है, तो आज हम एज ए रिवीजन में फिर से कर लेते हैं। इसमें आपके 8 क्वेश्चन है, फिर आपका क्या है जो इस ग्रुप का नहीं होगा उस पर आपको सर्कल करना है, और आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको ट्रू फॉल्स करना है सही गलत, और आपको नेम देना है अलग अलग जिसे जो पूछा गया है, और फिर इन द ब्लैंक्स देना है। ठीक है, तो हमने ये बुक में पहले ही फिल कर रखे हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या फिल किए थे। सबसे पहले है मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स विद अ लाइन, तो लाइन की हेल्प से आपको मैच करना है एनिमल्स के कौन किस घर में रहता है। तो डॉग्स कहाँ रहता है, कैनाल में रहता है। फिशेस रहती है आपके एक्वेरियम में। हॉर्स रहता है आपका स्टेबल में। बफेलो रहती है आपकी शेड में। रैबिट रहता है आपको बोरो में। एंड हेंस रहती है आपकी कॉप में। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है। आगे हम करेंगे टिक, सही के लिए राइट, गलत के लिए रॉन्ग। एनिमल्स मेक देयर ओन फूड, इट्स रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग होगा, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अ फ्रॉग स्लो इट्स फूड, यस, फ्रॉग जो मेंढक होता है पूरा का पूरा खाना निगल लेता है। हॉर्स आर कैप्ट इन कैनाल, रॉन्ग, हॉर्स कैप्ट कैनाल में नहीं रहता है, स्टेबल में रहता है। फोर्थ, बेबीज ऑफ गोट्स पिग्स एंड काउ शक द मिल्क ऑफ मदर, यस, ये सब अपनी मदर्स का दूध पीती हैं, है ना। बियर इज प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, इट्स राइट, बियर दोनों चीज़ें खाती है। अब आपके पास है नेम एन एनिमल विच, आपको क्या करना है एनिमल के नेम देने हैं, लेकिन ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे गिव मिल्क, तो मिल्क हमें देती है काउ। गिव एग, हैन हमको देती है, अंडे हमको देती है हैन। लिव्स इन बोरो, छेद में रहते हैं रैबिट। ईट्स ओनली प्लांट, हॉर्स। इन डोमेस्टिक डॉग, इट्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो यहाँ पे डियर गलत हो रखा है, यहाँ पे आपको बियर करना है, बियर, बी ई ए आर, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। स्लो इट्स ओन फूड, स्नेक, जो अपना पूरा खाना निगल लेते हैं। लिव्स इन डेन, लायन। हैज़ ग्रोइंग टीथ, ग्रोइंग टीथ किसके होते हैं, कुतरने वाले दांत, रैट्स के। चू द फूड, तो यहाँ पे आपको लिखना है आपने काउ मैंने ऊपर लिख लिया था, लेकिन ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो चू द जो फूड जो आपको आपको मैंने बताए थे, इसमें से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बफेलो लिख सकते हैं, है ना, जो अपना खाना क्या करते हैं आराम से खाते हैं। शिप लिख सकते हैं, है ना, शिप भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम नहीं होने चाहिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स में है यूजिंग द वर्ड्स, तो आपके पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। पहला है फूड गिव अस एनर्जी टू डोमेस्टिक एनिमल टू वर्क, जो डोमेस्टिक एनिमल है काम करने में उनको जो खाना है उनको काम करने के लिए एनर्जी देता है। हैंस आर कैप्ट इन कॉप, जो हैंस होती हैं वो बाड़े में रहती हैं। एंड अर्थवॉर्म शक द सोयल, जो अर्थवॉर्म है केचुआ है वो मिट्टी में रहता है। ठीक है, एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप देयर मिल्क, वो दूध को पीती हैं, दूध को चूसती हैं, जब लिक्विड फूड लेती हैं। काउ एंड बफेलो आर कॉल्ड कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, इनको कर्ड च्यूइंग एनिमल्स कहते हैं। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट है व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, तो एनिमल्स आर लिविंग थिंग सो दे नीड फूड, एनिमल्स भी हमारी तरह लिविंग फूड है इसलिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन टू, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर फूड हैबिट्स, खाने के लेकर हम तीन भागों में बांटते हैं जानवरों को। तो पहला आपका आता है प्लांट ईटिंग एनिमल, इसके एग्जांपल है काउ और गोट। सेकंड, फ्लैश ईटिंग एनिमल, लायन एंड टाइगर। थर्ड, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, बियर एंड क्रो। तो थ्री पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। क्वेश्चन थ्री, नेम टू एनिमल्स विच स्लोल देयर फूड एज होल, जो अपना पूरा खाना निगल लेते हैं। तो आंसर आएगा स्नेक एंड फ्रॉग स्लो देयर फूड एज होल, जैसे कि सांप और आपका जो मेंढक होता है पूरा अपना खाना निगल लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है बच्चा, व्हाट काइंड ऑफ टीथ टू ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं उन जानवरों के दांत किस प्रकार से होते हैं।
तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ हॉर्स हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ, यानी कि जो आगे के उनके दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज कर्ड च्यूइंग गिव टू एग्जांपल ऑफ एनिमल्स विच च्यू द कर्ड। कर्ड च्यूइंग एनिमल्स किसे कहते हैं, इसका आंसर आएगा सम एनिमल्स फर्स्ट स्लोल द फूड विदाउट च्यूइंग, आफ्टर सम टाइम व्हेन दे रिलैक्स दे च्यू इट वेल वेरी स्लोली, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। यानी कि जैसे कि मैंने आपको समझा था, पहले अपना खाना पूरा का पूरा अपने पेट में डाल देते हैं, उसके बाद जब ये आराम से बैठते हैं तब ये अपना खाना बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे इसको चबाते हैं, एग्जाम्पल काओ और बफेलो। क्वेश्चन 6, नेम टू एनिमल्स दैट लैप अप लिक्विड, जो लिक्विड खाते हैं, तो कैट और डॉग लैप अप लिक्विड फूड। क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू लुक आफ्टर यूर पेट डॉग, आपको अपने जो पेट डॉग है उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी लॉट्स ऑफ टेक एंड केयर ऑफ अवर पेट डॉग, हमें बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन द फूड हैबिट ऑफ लॉयन, जो लॉयन होता है उसकी फूड हैबिट क्या होती है। तो लॉयन हैव लॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ, उसके जो दांत होते हैं बहुत ही तेज नुकीले होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिंडेड टीथ एट द बैक, और पीछे के दांत भी उसके क्या होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, तेज होते हैं, मजबूत होते हैं। ऑफ देयर माउथ दीज हेल्प टू चू द फ्लैश ऑफ एंड बोन्स, तो इसकी सहायता से मांस को भी चबा देता है और हड्डियों को भी चबा देता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 4 चैप्टर के, आपने इनको लर्न करना है क्योंकि यह हाफ फेली में आएगा, तो आप उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज लर्न करिए। ओके।